तो हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फेसबुक के वीडियो को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मेमोरी कार्ड में, और अपने गैलरी में कैसे उसे सेव कर सकते हैं। वैसे तो फेसबुक में ऑलरेडी डाउनलोड का ऑप्शन है, लेकिन उस ऑप्शन से सिर्फ आप दोस्तों फेसबुक में ही डाउनलोड कर पाते हैं, अपने गैलरी में सेव नहीं कर पाते उस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप दोस्तों बिना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए फेसबुक के सारे वीडियोस को अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बगल की घंटी को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर ले, क्योंकि अगर उसे ऑल पर सिलेक्ट नहीं किया तो फिर दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा, तो ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना। तो चले गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आपको यहाँ पर फेसबुक ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर फेसबुक में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस, आपको इस वीडियो वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है, और जो भी वीडियो आप यहां से डाउनलोड करना चाहते हैं उस वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मान लीजिए इस वाले वीडियो को मैं यहां से डाउनलोड करना चाहता हूं, सॉरी यहां से मैं एक बार बैक कर लेता हूं इसे यहां से मैं, और इस तरह इस वीडियो को मान लीजिए आपको डाउनलोड करना है। तो उसके लिए सिंपली इस वीडियो के ऊपर आपको दोस्तों 3 डॉट यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ऑप्शन डाउनलोड का मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे तो वो वीडियो सिर्फ दोस्तों आपके फेसबुक में ही डाउनलोड होगा, आपके गैलरी में वो वीडियो सेव नहीं होगा, जैसे कि यूट्यूब पर होता है। यूट्यूब में सिर्फ वीडियो यूट्यूब पर ही डाउनलोड होता है, गैलरी में सेव नहीं होता है। लेकिन आपको अगर गैलरी में करना है तो वो ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आपको कॉपी लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है, उस लिंक को कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना, और सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, या फिर आप चाहे तो कोई सा भी ब्राउज़र या फिर गूगल भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों सर्च कर देना है फेसबुक वीडियो डाउनलोड, ऐसा लिख कर आपको सर्च कर देना है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी वेबसाइट ओपन होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली वाली वेबसाइट, अब मेरे मोबाइल में यह सबसे पहली आ रही है, लेकिन अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आपको इसे ढूंढ लेना है नीचे स्क्रॉल करके। इस वेबसाइट का नाम और इंटरफेस आप देख सकते हैं, fbdown.net ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर पहले ऑप्शन में आपके सामने वेबसाइट नहीं आती है तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, तो वेबसाइट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली उस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है, उस पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए एंटर फेसबुक ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो भी अभी लिंक जिस वीडियो की यहाँ पर हमने कॉपी की है उसे यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। तो चलिए मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बगल में ही डाउनलोड का ऑप्शन लिखा हुआ रहा है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो जो भी वीडियो आपने वहाँ पर सिलेक्ट किया होगा वो वीडियो यहाँ पर आपको सबसे पहले उसका एक फ़ोटो भी यहाँ पर आपको शो होगा कि यही वीडियो है। तो उसे डाउनलोड करने के लिए सिंपली दोस्तों आपको देखिए नीचे दो ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पर, डाउनलोड HD का और डाउनलोड 4K का, और यहाँ पर देखिए डाउनलोड वीडियो इन नॉर्मल क्वालिटी और डाउनलोड वीडियो इन HD क्वालिटी। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड वीडियो इन HD क्वालिटी पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो आपका वीडियो दोस्तों डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप फेसबुक के किसी भी वीडियो को दोस्तों अपने गैलरी में अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। तो कह रहा है वो कि वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, और बगल की घंटी को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, ताकि ऐसा ही और वीडियोज़ भी आप लोगों को मिलते रहे।